मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अर्चना श्रीवास्तव। बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ सेकेंड चैप्टर का। आप लोगों का सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया है और आज आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज आप लोगों का हो गया है, सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे और इसको हम लोग याद करेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे और बुक में भी फिलअप करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आप लोग पेज नंबर 9 निकालिए, पेज नंबर 9 निकालिए और फिलअप कीजिए। इसमें हम लोगों का टीथ जो है कौन कौन सा फंक्शन करता है यह हम लोग को इसमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट है हेल्प अस टू डैश एंड डैश फूड। तो यानी हम लोगों का टीथ हम लोगों को मदद करता है क्या चीज करने में। फर्स्ट में लिखेंगे स्पीक, स्पीक और च्यू। इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस बन जाएगा हेल्प अस टू, यानी टीथ हेल्प अस टू स्पीक एंड च्यू फूड। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेल्प अस टू सॉन्ग्स, यानी हेल्प अस टू डैश सॉन्ग्स। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सिंग, हेल्प अस टू सिंग सॉन्ग्स, यानी टीथ जो है वह हम लोगों को गाना गाने में भी मदद करता है। क्योंकि विदाउट टीथ हम लोग बोल नहीं सकते हैं तो गाना कैसे गाएंगे, तो उसमें लगाएंगे सिंग सॉन्ग्स, यानी टीथ हेल्प अस टू सिंग सॉन्ग्स। उसके बाद हम लोग करेंगे नंबरिंग, नहीं है स्टूडेंट, हम खुद से नंबरिंग दे रहे हैं, आप लोग देख करके इसको फिलअप कीजिएगा। मस्ट बी केप्ट क्लीन बाई ब्रशिंग, यानी हम लोगों को अपना टीथ ब्रशिंग के द्वारा साफ रखना चाहिए। क्या होगा ब्रशिंग, ब्रशिंग हम लोगों को अपना टीथ साफ रखना चाहिए ब्रशिंग के द्वारा। आर एंड डैश बॉडी पार्ट, यानी टीथ आर एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। आप लोग जानते हो टीथ जो है हम लोगों के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। इस तरह स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर निकालेंगे 12। पेज नंबर 12, इसमें ट्रू फॉल्स करना है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। वन नंबर देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे। द क्राउन लुक्स व्हाइट एंड शाइनी बिकॉज ऑफ द सीमेंटम, हम लोगों का क्राउन जो है वह शाइनी और व्हाइट सीमेंटम के कारण दिखता है, जो कि रॉन्ग है। हम लोगों का क्राउन जो है इनेमल के कारण व्हाइट और शाइनी दिखता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। द सॉफ्ट पल्प कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दैट नरिश आवर टीथ, यानी हम लोगों का पल्प जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स होता है और नर्व्स होता है जो हम लोगों के टूथ को नरिश करता है। इस तरह यह सेंटेंस जो है यह करेक्ट सेंटेंस है, इसको हम लोग ट्रू करेंगे। थर्ड नंबर आएंगे, द इनेमल इज वेरी सॉफ्ट सबस्टांस प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए टूथ, यानी इनेमल जो है इसमें हम लोगों का बुक कह रहा है कि इनेमल जो है सब सॉफ्ट सबस्टांस है, लेकिन इनेमल जो है वह सॉफ्ट सबस्टांस नहीं है,
यह हम लोगों के ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए यह क्या होगा, फल्स होगा। क्या होगा? फल्स होगा। इनेमल जो है वह हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सॉफ्ट सब्सटेंस नहीं है। द लोअर पार्ट ऑफ ए टूथ हेल्ड बाय द गम इज नोन एज द रूट, यानी टूथ का लोअर पार्ट जो है वह गम के द्वारा हेल्ड किया गया रहता है, जिसे हम लोग रूट बोलते हैं। यह ट्रू होगा, यह क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद देखेंगे फाइव नंबर, परमानेंट टीथ रिमेन थ्रू आउट आवर लाइफ, यानी परमानेंट टीथ जो होता है हम लोगों के पूरे लाइफ के लिए होता है, यह क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह से ट्रू फॉल्स हो गया। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 70 निकालेंगे और हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट नंबर हो गया, वी हैव डैश प्री मोलर्स, हम लोगों को कितने प्री मोलर्स होता है, 8। इस तरह से सेंटेंस हो गया, वी हैव 8 प्री मोलर्स। दो नंबर में हम लोग देखेंगे क्या होगा, द डैश वर्क लाइक ए फॉर्क, यानी हम लोगों का कौन सा टीथ फॉर्क की तरह काम करता है, तो हम लोगों का कैनिन टीथ जो है वह फॉर्क की तरह काम करता है। द कैनिन वर्क लाइक ए फॉर्क, यहाँ पर हो जाएगा कैनिन, क्या हो जाएगा, कैनिन। थर्ड नंबर देखेंगे, टूथ डीके रिजल्ट इन सोर एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी टूथ डीके जो है अगर हो जाता है हम लोगों के मुंह में, सड़न हो जाता है, उसके कारण हम लोगों के मुंह में बहुत जोर दर्द होता है और गम में ब्लीडिंग होता है, यहाँ पर हो जाएगा गम्स। इस तरह यह सेंटेंस बन जाएगा, टूथ डीके रिजल्ट इन सोर एंड ब्लीडिंग गम्स। और फोर्थ नंबर में देखेंगे, देयर आर डैश टीथ इन एन एडल्ट, तो इसका हो जाएगा, देयर आर 32 टीथ इन एन एडल्ट, यानी एक एडल्ट को 32 टीथ होता है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे हम लोग, 32। फाइव नंबर देखेंगे, प्री मोलर्स वर्क लाइक नट क्रेकर, यानी प्री मोलर्स जो है वह एक नट क्रेकर के जैसा काम करता है, यहाँ पर हो जाएगा नट क्रेकर। इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा, प्री मोलर्स वर्क लाइक ए नट क्रेकर। इस तरह से आप लोगों का बुक वर्क फिनिश हो गया, नहीं इसमें एक पेज नंबर 19 का बुक वर्क बाकी है, जो अगले क्लास में आप लोगों को, अगले पार्ट में आप लोगों को करवाएंगे। और इस तरह से आज के लिए इतना रहने दीजिए, और उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है वह पीडीएफ के द्वारा जाएगा, उसको आप लोग फेयर कॉपी में लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। स्टूडेंट थैंक यू।